हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप देख सकते हैं आमिर कुजीरा फाइवर्डा। तो आज हमारे यहाँ के साथ रोड में कोई दिक्कत आ चुकी है, यहाँ पर रोड ख़राब हो चुकी है और एक गाड़ी ही पे खड़ी है। तो दिखाते हैं कि यहाँ की रोड कैसे किस प्रकार की ख़राब हो रही थी। आपको यहाँ का ऐसा सीन ख़राब हो चुका है, तो देख सकते हो यहाँ आपदा आ चुकी है। और आपदा आने के बाद यहाँ एक यहाँ के कर्मचारी इतने अच्छे हैं, गाँव के लोग आधी रास्ता साफ कर रहे हैं, JCB की जरूरत ही नहीं है। ये देखो। तो दस आज जाने वाले थे हम संडे राइड पे, और संडे राइड पे जाना मुश्किल हो चुका है। तो यहाँ पर पूरा रोड ब्लॉक हो चुकी है, देख सकते हो। यहाँ पर सुबह से काफ़ी लोगों ने पत्थर हटा के तोड़ चुके हैं। ये देखो, चाचा का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे, और इन्होंने ये देखो घन से पत्थर से पूरा साइड कर दिया है। और थोड़ी देर में हम बच्चों के लिए यहाँ पर बाइक पर घूम सके, ताकि रास्ता बना रहे हैं, ये देख सकते हो। और यहाँ पर दूसरे चाचा भी, ये भी सुबह से लगे पड़े, कम से 40-50 पत्थर इन्होंने यहाँ से हटा चुके हैं। काफ़ी मेहनत करके चल रहा है। ये देखो, ये भी एक घन लेके आए अपना, और ये भाई भी सुबह से आए हुए हैं यहाँ पर, दो चार पत्थर इन्होंने भी तोड़ दिए हैं। और यहाँ पर पूरा टूटने वाला सिस्टम हो चुका है पूरा अच्छे से, और ऊपर पाइप लाइन भी जा चुकी है। यहाँ पर पाइप पानी नीचे से आ रहा है, पाइप भी टूट चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ दरख्वास्त है यहाँ पर जल्द से जल्द JCB भेजे। काफ़ी बड़े पत्थर है, जितने हो सकते उतने हटा रहे चाचा लोग यहाँ पर हमारे। जल्द से जल्द यहाँ पर कोई समाधान हो, यहाँ पर प्रशासन अधिकारी से ये दरख्वास्त है कि जल्दी से JCB भेजें और रोड ब्लॉक हुई है तो रोड को साफ करें। और देख सकते हैं यहाँ पर पानी कभी नहीं आता, तो आज बारिश के ज़्यादा होने के कारण यहाँ पानी भी आ रहा है। और ये कुछ ही टाइम के बाद ये भी थोड़ी कच्ची दीवार हो रही है, ये भी जा सकती है मेरे ख्याल से। प्रशासन से दरख्वास्त है कि PW वालों को यहाँ पर भेज दें। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी चाचा जी कुछ बताएंगे। चाचा जी कुछ कहना चाहते हो इधर? जी, शासन प्रशासन से दरख्वास्त है कि कृपया जल्द से जल्द यहाँ मुआयने की जांच कर अनुग्रहित करें। ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो हमारे जो यहाँ के जो सीनियर हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि मतलब यहाँ इसी चीज़ प्रॉब्लम हो चुकी है, और पाइप लाइन भी पूरी टूट चुकी है, तो गाँव में पानी नहीं आ रहा है। गाइस, मैं आपको अभी पाइप लाइन दिखा रहा हूँ कि कहाँ से टूटी पड़ी है, और गाँव में पानी नहीं आ रहा, पानी की बहुत समस्या हो रही है। और इधर साइड रोड भी टूट चुकी है हमारे यहाँ की, तो आपको दिखाते हैं हम अभी कहाँ की पाइपलाइन टूटी हुई है। देखो, यहाँ भी थोड़ा टूटा हुआ है। तो गाइस, आप देख सकते हो ऊपर पाइपलाइन टूटी हुई है, शायद ही साफ आ रहा होगा। और ये पाइपलाइन टूटी हुई है, और हम यहाँ पर जो कि रोड ब्लॉक हो रही थी, तो हम जा नहीं पा रहे हैं। आज हमारी राइड थी संडे राइड, और आप देख सकते हो यहाँ ऊपर से ऐसे पाइप लगा रखा है, और कल तक यहाँ से पानी ऐसे ले जा रहे थे हम लोग। ये देख सकते हो, देख सकते हो, ये ऊपर जो है वहां से जोड़ रखा है, ऊपर टूटी हुई है पाइपलाइन, यहां से ज्वाइंट कर रखा है दोस्तों ये। तो दोस्तों, आप देख सकते हो गांव की स्थिति कितनी खराब है, और एक गाड़ी वहीं पर अटकी पड़ी है। जो लोग जाने वाले हैं वहां भी समस्या हो रही है, जा नहीं पा रहे हैं। प्रशासन अधिकारी से दरख्वास्त है हमारी, अपील है कि जल्द से जल्द यहाँ पर रोड जो ब्लॉक हुई है उसको ठीक करने की कृपा करें, और JCB भेजें। बड़े पत्थर जो कि तोड़ नहीं पा रहे, काफ़ी बड़े हैं, ये टूटना थोड़ा मुश्किल है। ये थोड़ा कोशिश किए जा सकता है अभी। तो नीरज भाई, कोई खुलने की चांस है कुछ है? कोई चांस है? नहीं चांस है, बता। ये तोड़ना पड़ेगा पूरा। सुबह 6 बजे से लगे पड़े, 6 बजे से रोड खुलेगी करके। तो ये भाई अब यहाँ काम करना शुरू कर रहे हैं। ये देखो, आवाज कर रहा है, आवाज कर रहा है अब्बास। हाँ, तो चाहे 20 पाउंड कौन, पैरेटा वाला पैरेटा जा रहा है, जा रहा है कह रहा हूँ। तो देख सकते हो, ये भाई भी काफी मेहनत लगे पड़े हैं।
कर रहा है, आवाज कर रहा है, जाएगा जाएगा। शाबाश, गहरा चीरा तो गया। हाँ गया गया। तेरी गुंजाइश पे तो बंदे रहा यार, एक तो नहीं लगवा रहा। दोस्तों देख सकते हो पत्थर थोड़ा बहुत रास्ता बन चुका है, थोड़ा और बन जाता है तो संडे राइड पर जरा हम निकल सकते हैं। और इस भाई ने ये पत्थर पूरा तोड़ ही दिया लगभग लगभग। बहुत मेहनत की। अब कुछ लोग ऐसे जेब में हाथ डाल के खड़े हैं, गाड़ी इन्होंने ही निकाल ली, जेब में हाथ लेके खड़े, लेकिन थोड़ा हाथ मार दे दो चार। तुम्हारे गाड़ी पर भाल लगना। अच्छा सुबह मार दिया, गाजे गाले कर। गुड यार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बैग जोर लगा दिया मेरे को, आज इतना होता साफ पाऊँ। तो अभी राजस्थानी हमारे यहाँ पर पकड़ लिया घन। तो दोस्तों देख सकते हो आप, काफी यहाँ पर समस्या हो चुकी है रोड, भाई की गाड़ी निकल नहीं पा रही है। और गांव वाले पूरे सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में, रोड साफ करने में बिल्कुल, भले ही इनका फायदा हो चाहे घाटा हो, लेकिन कर तो रहे हैं। ये काम शाम को भी कर सकते थे, शाम को ठीक ठाक नहीं मिलते फिर। ये हमारे नेताजी है, ब्रिटिश मेंबर है यहाँ पर है। थोड़ा सरकार इनके बारे में सोचे तो देखो इनकी हालत कैसी हो चुकी है, घर में काम करते करते करते। और ये विधायक के तौर पर उठने की कोशिश कर रहे, लेकिन इनको दबाया जा रहा है। प्रतिनिधि है यहाँ पर ब्रिटिश मेंबर के, और उधर है कांग्रेस के प्रतिनिधि, बीजेपी के प्रतिनिधि, दोनों विपक्षी विपक्षी दोनों साफ करने में, दोनों साफ करने में लगे हैं। वो वहां पे बताओ, ये बीजेपी वाले हैं और ये कांग्रेस पार्टी के हैं, दोनों मिलजुल के काम कर रहे लगाओ। अगर ऐसी सरकार करे तो आप हमारे देश में उन्नति हो सकती है। तो ये कांग्रेस वाले और ये बीजेपी वाले, देखो दोनों साथ में मिल काम, दोनों अकेले काम कर रहे हैं। कंधे से कंधे और आड़े से घड़े लगा के काम कर रहे हैं। और ये भाई साहब भी कांग्रेस के वो हैं, बड़े प्रत्याशी हैं, लीडर अभी फिलहाल नए उभरते छात्र के अध्यक्ष बाद में आए, पहले कांग्रेस से पांच। ये बिरौली ग्राम पंचायत के ये भी बीजेपी वाले ही हैं, राजेश चिन्याल जी। बड़ी ज्यादा ही मेहनत चल रही है यहाँ पर। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि इनमें से दो तीन गांव वाले हैं जो कि ग्राम पंचायत के और अध्यक्ष रह चुके हैं, और ये थोड़ा सहयोग कर रहे हैं आस पड़ोस के गांव में। ये मित्रता, ये प्रेम भावना होनी चाहिए, ऐसी फिर देश आगे भी बढ़ता है, और थोड़ा युवाओं में थोड़ा देख के थोड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो ये भाई भी दूसरे गांव के, देखो घन चला रहे हैं यहाँ पे, ये पहले गाड़ी चलाया करते हैं, घन चलाने की नौबत आ गई है। तो बीजेपी की सरकार से, कांग्रेस सरकार से थोड़ा ये विरोध है कि कुछ काम दे इनको, और यहाँ रोड जल्दी से जल्दी क्लियर कर दें, और जेसीबी भेजने की कृपा करें यहाँ। ये देखो ऐसी चल रही है, टी शर्ट भी गंदी हो चुकी है। ये देखो अध्यक्ष बने होते थे, रोड साफ हो चुकी होती अब तक। ये कलाएं देख नहीं पा रहे ना, तो ये कलाएं हम इनको जरूर दिखाएंगे। ये अभी मेरे को थंबनेल मिल गया था, हाँ थंबनेल पैर में लगती जैसे थंबनेल मिल गया था मेरे को यहाँ, टाइटल हाथी से तोड़ दिया था पत्थर इन्होंने यहाँ। ब्याल ब्याल तक मैं लगा भरी बे बारिश आऊंगा तो चला।
ये भी नीचे आ सकता है। पानी पानी भी टपक रहा है ना वहां से काफी। ये वाला पत्थर और ये थोड़ा ये निकल जाता ना तो गाड़ी निकल जाती बाइक आराम से। ये थोड़े लगे ये बहुत तलते जा तेली जाए अगर रोड तोड़ दिया इसने यार। ये देखो गाइस ये रोड तो पूरी तोड़ रखी है इसने। लेकिन तेली को तीन चार सब्बल चाहिए ना, तीन चार सब्बल चाहिए इसको ना डालने। कितने बजे से लगे सुबह? मैं करीब 7 बजे से लगा हूँ। 7 बजे से लगे पड़े हैं। बारिश में ही लगा, बारिश के छींटे आ रहे तब से लगे पड़े हैं। कल मैं वो पाइपलाइन ठीक करने के लिए लगा, वहाँ से टेम्परेरी व्यवस्था के लिए वहाँ पाइपलाइन वहाँ सड़क तक बिछा दी है मैंने। अच्छा अच्छा। और जो ये आप ही का काम था क्या? ये कल हम लोग 2-4 लोग आए। अच्छा, उन लोगों ने भी सेव करा। कल मैंने सोचा ये रोहित ने अपनी गाड़ी धोने के लिए कर रखा है। नहीं नहीं, ये कल तो इन भाई को पेपर के लिए जाना है और ये भाई यहाँ देखने आए हैं। अब दो हाथ मारेंगे तो थोड़ा इनका समाधान हो सकता है। पेपर इतनी दूर है कैसे जा पाएंगे? 2 दिन पहले से चिल्ला रहा था कि भाई आना है, आ जाओ कहीं भी आना चलो करके। कह यार कहा नहीं, कह रहा आज ही तेरे को नहीं जाना था, कब से कह रहा हूँ। बल मैंने रोड तो देख के आया एक बार। क्या हाल है? ये भाई को गौर से देख सकते हैं। ये भी बीजेपी मेंबर का एक लीडर है, तगड़ा कट्टर बीजेपी है। तो ये भी सहयोग करने के लिए आया है यहाँ पे। गोल बड़ा आता तुम मुझे मिले यार, पटाल जैसा पत्थर तुम्हें गोल बना। ठीक क्यों नहीं कर रहा यार बड़ा? ये नए नए मिस्त्री है ना, तो ये अब भाड़ा कर देंगे काम का। जाओ दलित पाओ से ट्रेनिंग लेके आओ, नमस्कार करो पहले। पूरा डाल रखा है, जाएगा ये, टेंशन मत लो। रोड की हालत तो ऐसी है, जब से बनी है तब से एक बार भी मतलब बीजेपी की सरकार 2 बार बन चुकी है, एक बार भी ढंग का कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, रोड कांग्रेस के टाइम पे दिलाई गई है और काम बीजेपी नहीं हो रहा कह रहे हैं। कट्टर कट्टर कांग्रेस ही आया, अभी बाहर निकल गया। अब बाहर आया। ये अच्छा, दोनों प्रत्याशी एक साथ खड़े हैं तो। ये बीजेपी वाला क्या कर रहा है पीछे से? ये मजे ले रहा है वहां से। दो हाथ मार भाई, तूने जाना है तो। कौन? अच्छा, ये फकीर राम टमटा को भेज रहा है। भेज भेज, नंबर तो सेफ है उसके पास। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गाइस, कुछ ना कुछ यहाँ पर हेल्प करनी चाहिए सरकार को। साइकिल भी आने की जरूरत नहीं, साइकिल तो वैसे उठा के आ जाएगी। एक आदमी आ सकता है यहाँ पे, एक आदमी। मेरी बाइक तो मुश्किल से आएगी, नीरज की बाइक भी नहीं आ पाएगी यहाँ। नीरज एक चीरा ये निकल रहा है, रहा तो 2-4 हाथ मार दे इसमें, निकल जाएगा ये बाइक आएगा आराम से निकाल लेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पानी टूटा है, तो पानी के कारण ये भाई यहाँ पर नहा रहे हैं। ये देखो ये नहाना धोना भी यही हो रहा है भाई का। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सरकार से थोड़ी निवेदन है कि जल्द से जल्द ये पानी का थोड़ा जल्द से जल्द कर दे।